जय श्री राम राम राम। सांग मैने मुरुद्र आज मोर यूट्यूब चैनल रे पावर लिफ्टिंग विषय किसी डिस्कशन करने आम सर्टकट्रे जाना पावर लिफ्टिंग कौन कौट खेल जाए आपर या प्राक्टिस कराए किपरफर्म कराए। ओके पावर लिफ्टिंग गोटे स्ट्रेंथ आउ पावर गेम जहाँ इंटरनेशनली खेला जाए नेशनली स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला जाए। पावर लिफ्टिंग गेम एपर्तंत ओलंपिक रे आड होना कॉमनवेल्थ अच्छी पारा पावर लिफ्टिंग एकमात्र गेम जहाँकि ओलंपिक रे आड अच्छी पारा मीन जो मैंने हैंडिकैप से खेल बेंच प्रेस ओनली बेंच प्रेस। ओके जपर बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग गोटे स्ट्रेंथ गेम से पावर लिफ्टिंग गोटे स्ट्रेंथ गेम स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टाइप रे भी किंतु पावर लिफ्टिंग टिके हार्ड रुहे कारण बॉडी बिल्डर स्ट्रेंथ सहित किसी मतलब न था मसल को पंप अप करियार अच्छी मसल पंप हवा दरकार सी हेवी जाती कि एक्सट्रीमली हेवी जाती जब पावर लिफ्टर मान जाती कारण जो पांच किलो दस किलो रु वेट रु पंप मिलूर से एनफ कि बॉडी बिल्डर को निजर कम्फर्ट जोन रु आगे बढ़िवार अच्छे निजक पुश करार अच्छे निजर पुश नक निजर स्ट्रेंथ पड़ोन तर गोटे पिला जिम जॉइन कला से डे वन रु 20 के जी बेंच प्रेस लिफ्ट कला धीरे 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 प्रोसेस 25 के जी ताप 30 के जी ये प्रोसेस स्ट्रेंथ गेन है यहीटा को पावर कह जाए पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क मैंने कार्य करार क्षमता जार यूनिट व्हाट कितु पावर लिफ्टिंग व्हाट के यूज करना 60 व्हाट लिफ्ट कला 70 व्हाट लिफ्ट कला ये 60 के जी कि 70 के जी कहते। ओके अच्छा पावर लिफ्टिंग टू टाइप र गोटे है इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग आ अनइक्विप्ड मैंने क्लासिक आ र भी कहते ये टू टाइप आम ओडिशा रे मैक्सिमम कौन 100% प्लेयर ये अनइक्विप्ड खेलती मैंने र गेम अनइक्विप्ड रे आम कौन कौन एक्सेसरी यूज कर इक्विपमेंट जैक आम नी स्लीव बेल्ट रिस्ट स्ट्रैप सॉक्स शूज आउ सिंगलेट ये रहा आमर अनइक्विप्ड इक्विप्ड रे हमें यूज इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग गियर है स्क्वाट सूट बेंच सूट डेडलिफ्ट सूट्स नी रैप ये सब इक्विप्ड गेम यूज करा जाए। इक्विप्ड अनइक्विप्ड बहुत डिफरेंस अच्छे हाँ इक्विप्ड भी आउ किसी अच्छी सूट्स जो स्क्वाट सू भी किण सी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्क्वाट सू अच्छी कारण किसी जन फुट प्लेसमेंट क्लोज था भी अलग टाइप सूट्स रोज किसी जन फुट प्लेसमेंट व्हाइट था सुमो टाइप रही भी अलग टाइप स्क्वाट सूट्स मिले से हीपरी आमर डेडलिफ्ट कन्वेंशनल डेडलिफ्ट अलग सूट्स सुमो डेडलिफ्ट भी अलग सूट्स आउ ये बेंच प्रेस भी सेम। ओके 2017 मसीहा परे माने भारत सरकार पावर लिफ्टिंग टाकु रेकग्नाइज देनी सब फेडरेशन को फ्री कर दे कौन सी भी फेडरेशन इंडिया रे गवर्नमेंट रेकग्नाइज नुह। ओके तुम जेकोसी फेडरेशन रे खेली पार समस्त युवालैंड फास्ट पावर लिफ्टिंग रो एज कैटेगोरी था एज अनुसार तर कैटेगोरीज डिवाइड करा जाइछ मिनिमम एज पावर लिफ्टिंग खेलबा पई 14 एज 14 लो 17 एज रो जो प्लेयर मान रहे तंको सब जूनियर कहा जाए 17 प्लस रु बिलो 24 तंको जूनियर कहा जाए 40 प्लस मास्टर 1 50 प्लस मास्टर 2 60 प्लस मास्टर 3 एवं 70 प्लस मास्टर प्रो 70 प्लस रु एबव जते रहिले जे पर्यंत आपण लोहा रॉड टेकी पारथुबे से पर्यंत आपण मास्टर 3 रे पार्टिसिपेट करि पारथुबे। ओके किंतु 24 वर्ष रु 40 वर्ष ए जो गैप रहला ए कैटेगरी टाकु ओपन कैटेगरी कहा जाए ए वेट कैटेगरी ए वेट रे पूरा ओपन एटर सीनियर भी कैटेगरी कहा जाए किंतु गोटे जिनस मन सब प्लेयर
माने सबु कैटेगोरी प्लेयर सीनियर कैटेगोरी पार्टिसिपेट करि परिबे जने जूनियर चाहिले सीनियर कैटेगोरी पार्टिसिपेट करबे सब जूनियर भी सीनियर कैटेगोरी पार्टिसिपेट करबे जने मास्टर कैटेगोरी प्लेयर भी सीनियर कैटेगोरी किंतु 24 रु 30 40 वर्षर जो एथलीट से कहले ओनली सीनियर रे ही खेली परिबे ओके तापर एज कैटेगोरी पर हमर वेट क्लास बॉडी वेट क्लास भी मध्य अछि मेन को पाई अलग वेट क्लास फीमेल को पाई अलग वेट क्लास अच्छे जमी मेल कर 53 एज ग्रुप बिलो 53 बिलो 53 ओनली फॉर सब जूनियर 53 59 66 74 ए टाइप रो विभिन्न वेट कैटेगरी अच्छे खेल पूर्व बॉडी वेइंग ने जाए बॉडी वेइंग नबा टाइम रो गोटे स्कोर कार्ड दि जाए स्कोर कार्ड मीन गोटे फर्म टाइप गोटे स्कोर कार्ड दि जाए से स्कोर कार्ड रे तुम डिटेल्स फिलअप कर तुम बॉडी वेट वेट क्लास मेंटेन कर तुम नेम एड्रेस को डिस्ट्रिक्ट आसीच है जिम ना वगैरह वगैरह सब फिलअप करवाक पड़ो तुम एज कैटेगोरी को कैटेगोरी पार्टिसिपेट कर सब आफ्टर सब पर गोटे थी अटेम्प्ट स्क्वाड डेट अब बेंच पर से अटेम्प्ट क्योंकि तुम फास्ट अटेम्प्ट तुमको से फिलअप करने पड़ो जे बेंच फास्ट अटेम्प्ट से फिलअप कर गोटे जिनस मन रखे से लिफ्ट जब जो लिफ्ट तुम इजिली लिफ्ट कर पार दरकार 100 केजी धर तुम स्क्वाड दल तुम इजिली 100 केजी तुम कंफर्टेबल 100 केजी मारी पार तेरे 100 केजी दब बेंच प्रेस 50 केजी डेड लिफ्ट 150 केजी ओके वेइंग सरला गेम को तीन जन रेफरी जज करती है सेंटर रेफरी को सेंटर जो रेफरी होता है सेंटर रेफरी कि चीफ रेफरी कहा जाए ओनली चीफ रेफरी ही कमांड दे पार साइड रेफरी कमांड दे पारे बाकी जो जो दु जन दुई साइड रहा से मानक साइड रेफरी कहा जाए ओके पावर लिफ्टिंग रेफरी हाथ में लाइट बोर्ड रो कंट्रोल था लाइट बोर्ड कंट्रोल दुईटा लाइट ऑप्शन था गोटे व्हाइट लाइट गोटे रेड लाइट रेफरी जदि व्हाइट लाइट रो सिग्नल दला ताले लिफ्ट पास जदि से रेड लाइट रो सिग्नल दला ताले लिफ्ट इज फेल तीनोटी रेफरिंग कर मत जदि समान रहिला जे समस्त को जदि गुड लिफ्ट देले लिफ्ट पास देले ताले लिफ्ट टी पास हबो जदि तीन जन मध्यरो दुई जन भी लिफ्ट को पास देले व्हाइट लाइट जो आसिला ताले लिफ्ट की पास किंतु जदि दुईटी रेड गोटे व्हाइट रोचे ताने लिफ्ट फेल जदि तीनोटी जाके रेड रोचे ताले भी लिफ्ट फेल ओके वर्तमान हमें डिस्कशन करिबा हमर फास्ट इवेंट स्क्वाड हला स्क्वाड मारिया समय रेफरी रो कमांड को वेट करिबा कमांड दबा पूर्व केबे स्क्वाड मारिबोने जे कोन स्क्वाड मारो डेड मारो बेंच प्रेस मारो जहां भी मारो प्रथमे रेफरी रो कमांड को ठीक से फॉलो करिवार अछि ओके आमे जतले स्क्वाड रैक रु पार को रिएक्ट करिवे पछु गस पे तरे हमरो पछरे तिबा हेल्पर को हमको हेल्प करिवो रिएक्ट करिवार ओके तम रिएक्ट करके ठिया हो जे पर्यंत रेफरी स्क्वाड रो कमांड देले ओके स्क्वाड कमांड देला परे आपण धीरे धीरे तळ गुजिबे आपनको डेप्थ परफेक्ट होते दरकार डेप्थ बिलो 45 डिग्री रहते दरकार जबकि आप फ्रंट चीप कम हिप्स देखा दरकार ओके तुम स्क्वाड रे कंप्लीट कर सारा आपण रेफरी जेपर्यंत रिएक्ट कमांड न देचे से पर्यंत सेमती बार को धरिक ठिया होते रिएक्ट कला आपंकर साइड रे कैचर आप हेल्प कर रिएक्ट कर देख स्क्वाड मारिया सगरे आपण ग्रिप सब रखिथे बार को होल्ड कला आपण ग्रिप छाड़बे नहीं थे ग्रीप हो सर ग्रीप रिलीज कर ग्रीप रिलीज कर नो लिफ्ट हम स्क्वाड मारिया टाइम रे आप पाद एपट सेपट लिफ्ट नो लिफ्ट हम जदि डबल मोशन होती लिफ्ट नो लिफ्ट हम ओके एवं आम डिस्कसन कर बेंच प्रेस स्क्वाड पर बेंच प्रेस कमांड अच्छी एनोटी कमांड अच्छे ओके आपड़ बा को रिएक्ट करेंगे जो रेफरी कमांड दब स्टार्ट स्टार्ट कमांड दे आप धीरे धीरे बार को तौक आने तौक आनी सारापुर आप सेकेंड कमांड को वेट करेंगे जहाँ प्रेस रेस पर आपर बार एंड होल्ड करेंगे रियाक्ट कमांड आसो रियाक्ट कमांड पर आपन बार को रियाक्ट करेंगे ओके
তাহলে গুড লিফ্টে গুড লিফ্ট, নহলে লিফ্টে নো লিফ্ট হিসেবে যদি কমান্ড আপনি ঠিকসে ফলো করবে হলে স্কোয়াড মারিবা টাইমে আপনার ফুট প্লেসমেন্ট ঠিক থাকা দরকার। যদি পাদ উঠে মারিবা টাইমে কিংবা আপনার হিপস উঠে তাহলে লিফ্ট নো লিফ্ট হয়ে যাব। হ্যামস্ট্রিং মধ্যে বেঞ্চ সহ টচ হইতে দরকার, শোল্ডার মধ্যে টচ হইতে, শোল্ডার উঠলে বি লিফ্ট নো লিফ্ট দিয়ে যাব। ওকে তাহলে আমার এবার লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল ইভেন্ট হল ডেড লিফ্ট। ডেড লিফ্টরে স্টার্টিংরু কোণী কমান্ড নথায়, আপন জস্ট বারকু যাই গ্রাউন্ড পুল করিবার অছি। পুল হয়ে সারা পরে আপনার বডিটি কমপ্লিটলি লক হওয়া দরকার, আপনার নি, লোয়ার ব্যাক, এলবো, শোল্ডার, যে সবুটি জয়েন্ট যেতে জয়েন্ট আছে সব লক হওয়া দরকার। তারপরে রেফারি আপনার কমান্ড দেব ডাউন লো। ডাউন করার সময় গোটে জিনিস মনে রাখ, যেপর্যন্ত বি বার গ্রাউন্ড কু টচ না করছেন সেপর্যন্ত আপনার গ্রিপ রু যেমতি বার ন খসে, নহলে লিফ্টটি নো লিফ্ট হয়ে যাব। ওকে সরলা গোটে জিনিস মনে রাখ, যদি আপনার স্কোয়াট ভাল মারলে বেঞ্চ প্রেস বি ভাল মারলে কিন্তু লাস্ট কু ডেড লিফ্টর কোণী কারণবশত আপনার তিনোটি যাক লিফ্ট ফেল হয়ে গেলে তাহলে আপনার খেলুর ওয়াশ আউট হয়ে যাবে, মানে খেলুর বাহারি যাবে। তেমন মনে রাখ কম সে কম তিনোটি লিফ্টর গোটিয়ে লিফ্ট ক্লিয়ার করবার অছি, যে তিনোটি লিফ্ট মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমম আমাউন্টর লিফ্ট হয়ে ম্যাক্সিমম নম্বর লিফ্ট সেইটা ক্যালকুলেট করা যাব। স্কোয়াডর ম্যাক্সিমম লিফ্ট, ডেডর বেঞ্চ ম্যাক্সিমম লিফ্ট এবং বেঞ্চর ম্যাক্সিমম লিফ্ট ক্যালকুলেট করা যাব। যে হাইয়েস্ট নম্বর অনুসার সেই অনুসারে আপনার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড চয়ন করা যাব। ওকে ওভরঅল চম্পিয়ান, ওভরঅল চম্পিয়ান যে সে মানে যার পয়েন্ট হাইয়েস্ট আসলা সে হি ওভরঅল চম্পিয়ান হব। ওকে হাইয়েস্ট চম্পিয়ান মানে হ্যাঁ ফাইনালি ম্যান আর ওমেন দুই জনকর ওভরঅল চম্পিয়ান হয়ে যায়। পাওয়ার লিফটিং ওভরঅল চম্পিয়ান স্ট্রং ম্যান আর স্ট্রং ওমেন কুহতি, তাঙ্কর পয়েন্ট টেবুল উপরে ডিপেন্ড করে যার পয়েন্ট সবুঠ হাইয়েস্ট থাকবে সে হি স্ট্রং ম্যান আর স্ট্রং ওমেন হব। ওকে এবে পাওয়ার লিফটিং গেম্র বহুত কিছু চেঞ্জ হলেন, এবে ইন্ডিয়ার ফিউচর পাওয়ার লিফটিংর বহুত ব্রাইট অছি, বহুত ভালো ভালো আথলিট ইন্ডিয়ার বাহুত যে ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করছেন, ইন্ডিয়া গোটে পাওয়ার লিফটিং গোটে নয় পরিচয় সৃষ্টি করছেন ইন্ডিয়ার। ওকে আমার ওড়িশা বি এই কিছুদিন ভিতরে পাওয়ার লিফটিং বহুত অ্যাক্টিভ অছি, ওড়িশার বহুত ভালো ভালো লিফ্টর অনেক বহুত বড়িয়া লিফ্ট করছেন সেমানে, আর সেমানে ফিউচরে পাওয়ার লিফটিং বহুত কিছু করে পারবে, ওড়িশার না কু আগুক নেই পারবে, আর সেমানকু মো তরফর শুভকামনা। আর মতো সেমানে সহযোগ করুন সমস্তে, আমি ওড়িশার পাওয়ার লিফটিং কু আগুক নবা, মোর সমস্ত সহযোগ দরকার, মতো সপোর্ট বি করুন, সমস্ত সপোর্ট দরকার, বিনা সপোর্টরে মু আগুকু বড়ি পারিবিনি, মতো বহুত বি সপোর্ট মিলিছে পিলামানকর সেইপা সেমানকু বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর যদি মোর ভিডিও আপনার ভাল লাগুছি, হেল্পফুল লাগুছি, যদি আগুকু এইপরি ভিডিও জারি রাখবা তাহলে মতো সপোর্ট করুন, লাইক করি সবসক্রাইব করি, এবং নেক্সট টাইমে আমি স্কোয়াডর টিউটোরিয়াল আনবা, বেঞ্চ প্রেসর টিউটোরিয়াল আনবা, ডেড লিফ্ট টিউটোরিয়াল আনবা, আর কেমি পাওয়ার লিফটিং আমি ওড়িশার ইম্প্রুভ করে পারিবা সে বিষয়ে মধ্যে টিউটোরিয়াল আনবা, অন্যান্য লিফ্টর মানক সহিত বি আমি মিশি করে ভিডিও বানাইবা। থ্যাংক ইউ, নমস্কার, জয় জগন্নাথ, জয় পাওয়ার লিফটিং।